सो हाई गाइस एंड येस आई एम बैक टूडे ऑन माई चैनल और आप सभी को ये बताने आया हूँ आज इतने टाइम बाद कि ये जो आपका टॉक शो है हमारा टॉक शो है वीकेंड वाल्टर हम इसे अप कर रहे हैं येस yes, इसे हम बंद कर रहे हैं परमानेंटली एंड uh, शायद इसके बाद अब ये टॉक शो हम आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे रीजंस रहे हैं एक साल से इसको नहीं कंटिन्यू कर पाया एंड अब नहीं लगता शायद इसको आगे बढ़ा भी पाएंगे हम So, अभी के लिए यही खबर देने आया था एंड वो चैलेंजेस आपके साथ जरूर शेयर करूंगा मैं. Um, मजाक चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है कैसा लगा मेरा मजाक हेलो <laughs> नमस्कार क्या हाल चाल है और क्या बोल रही पब्लिक दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर स्वागत करता हूं आप सब भी का एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट टॉक शो वीकेंड विद वॉल्टर में तो यार आई नो आई नो आई नो आई एम रियली सॉरी पहले तो उस प्रैंक के लिए और दूसरा ये भी पता है कि बहुत टाइम से आपका बहुत लंबा इंतजार चल रहा था और उस इंतजार को ही खत्म करने वापस आ गया हूं मैं आपका होस्ट आपका दोस्त और इस इंतजार को अब दोबारा आने नहीं दूंगा बीच में ये वादा करने जरूर आया हूं आप सभी के साथ खाओ कसम, अरे कसम की कौन सी तो यस इट्स अ वेरी 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 बिग न्यूज फॉर एवरी वन आउट देर जो लोग भी ये देख रहे हो जो नहीं देख रहे उनको दिखा देना क्योंकि बड़ी न्यूज है भाई हम दोबारा शुरू कर रहे हैं यार अपना पॉडकास्ट वीकेंड वॉल्टर थोड़ा एक रिक्रिएटेड वर्जन के साथ बहुत सारे फन के साथ बहुत सारे नए गेस्ट के साथ और बहुत सारी नई करियर जर्नी सुनने के लिए तो भाई अगर ये सब चाहिए तो इंतजार क्यों कर रहे हो भाई लाइक like कर दो शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो इस पॉडकास्ट को और बने रहना बिकॉज आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास गेस्ट जिनसे आपको मैं बस यू मिलाऊंगा yeah. ना so, जैसा बताया था आप सभी को आ चुके हैं हमारे हमारे गेस्ट, हमारे बीच बहुत ही खास के साथ और भाई इनकी तारीफ के अगर मैं पुल बांधने बैठूंगा तो मैं बहुत सारे पुल बांध दूंगा शायद इतने सिविल इंजीनियर से भी नहीं बांधे बैड जोकू गाफ इन द कॉमेंट जनता माफ नहीं करेगी ठीक है और इससे पहले मैं और ज़्यादा बोलता जाऊं जो मेरी आदत है और क्योंकि मैं इतने दिनों बाद पॉडकास्ट कर रहा हूं तो शायद ये बीच बीच में होगा तो बर्दाश्त कर लेना बट ये मौका मैं आपको देना चाहूंगा सो हेलो जलाल क्या हाल है भाई कैसे भाई, हैं आप बताइए एकदम बेहतरीन तो जलाल कुछ बताइए भाई हमारी ऑडियंस को अपने बारे में सो हाय गाइस आई एम जलाल एंड मैं बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ और अभी रिसेंटली जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो मतलब आर्ट पे ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ और जो है क्या नाम है Uh, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और uh, अभी मेरा रिसेंटली बिकॉम कम्प्लीट हुआ है सो uh, मैंने अभी बिकॉम तो कर लिया बट मेरा जो पैशन है वो आर्ट आर्ट का है तो मैं ड्राइंग और जो है स्केचिंग वगैरह करता हूँ तो अभी सारी कन्वर्सेशन हम और मिल के भाई करेंगे तो वो सारी बातें आपको बताएंगे क्या बात है भाई और जो इन्होंने बोला ना ये बहुत हम्बल नेचर के आदमी है जैसा आपको पता चला एक तो लखनऊ वाले तहजीब बहुत होती है भाई है ना हम है सीतापुर वाले हमें थोड़ी बदतमीजी की आदत थी लेकिन हम सात साल यहाँ आके सीख लिए तहजीब ठीक है तो आप तहजीब वाले हैं हम भी <laughs> बट जैसा उन्होंने अपने लहजे में बताया कि बहुत ही छोटे आर्टिस्ट हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है बहुत अव्वल दर्जे के कलाकार हैं और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं ऐसा मैंने बोला मैं पर्सनली जानता हूं 2018 से भाई आपको तो छोटे आर्टिस्ट तो नहीं है है ना वो

जो है जिसमें मतलब कंफर्टेबल रहे तो मैंने पहले तो क्रिकेट चॉइस मतलब चूज़ किया उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि जो है आप क्रिकेट ज्वाइन करते हैं उसमें और मेरे जो है मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको हम लेके आगे चलते हैं तो मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया और जो है दो तीन साल तक अकेडमी ज्वाइन करी उसमें खेला तो मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था जो मतलब कि हम चाह रहे थे जो तो फिर हाँ फिर मैंने ये सोचा कि जो है अगर हम क्रिकेट में अगर तीन साल वेस्ट किया है और हमें कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना तो फिर मैंने ये सोचा कि जो है क्यों ना अब कुछ आर्ट में करके देखते हैं फिर मैंने क्या किया उसको आर्ट में जो है मतलब एक दो आर्ट मैंने बनाई अपने स्कूल में तो जो है वहाँ पे एक ये हो रहा था कि मतलब एक मेरी मैम थी तो वो बोलती थी कि आप आर्ट बनाओ मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रिंट करवाऊंगी पेपर में और भी कई जगह प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे मतलब एक ये सो, मैंने ये सोचा कि जो है यार ये तो अच्छी चीज़ है कि मतलब एक जगह प्रमोशन होगा फिर और चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर मैंने क्या किया एक मेरी जो फर्स्ट आर्ट थी वो एक ऐसी थी कि मतलब मतलब मैंने जो है एक एक जंगल में एक आदमी था वो शेर का फ़ोटो खींच रहा था तो उसके कैमरे के लेंस में उसका फेस रिफ्लेक्ट हो रहा था तो वो जो है हमने दिमाग से सोच के वो बनाया तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई और फिर क्या हुआ वो मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया में आई तो फिर जो है मैंने ये सोचा कि जो है यार अब तो मतलब स्टार्टिंग हो गई है मेरी तो फिर वो आर्ट इतनी वायरल हो गई थी कि जो है मतलब सब लोग तारीफ कर रहे हैं भाई क्या कर दिया तुमने टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रही है ये है वो है सारी चीजें फिर मैंने ये सोचा कि भाई अब तो स्टार्टिंग हो गई है अब जो भी करना है सब इसमें करना है बिल्कुल हाँ तो फिर मैंने जो है उसको जो आगे कंटिन्यू किया और फिर वैसी वैसी करता गया और फिर यहाँ तक मतलब पहुंचा अभी भी बिलीव नहीं होता कि मैं इतनी अच्छी आर्ट बना लेता हूँ यकीन नहीं एक नहीं एकदम बिलीव होता है भाई यार मतलब तो काम तो बहुत ही अव्वल दर्जे का है ही है बट ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है है ना और जो आप बात कह रहे थे मैं उससे बहुत रिलेट कर पा रहा था क्योंकि मेरा भी एक टाइम पे सपना था क्रिकेटर बनने का है ना वो होता है जो लड़के क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनका एक टाइम पे होता है हम देश के लिए खेलेंगे वर्ल्ड कप हम लेके आएंगे और तो कोई ला नहीं पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है

भाई वो ये एक बार क्या हुआ था कि मेरे स्कूल में मैं जो है नाइन्थ क्लास में था तो जो है मेरे स्कूल में एक आर्टिस्ट आए थे वाजिद खान आर्टिस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो तो वो नेल आर्ट करते थे तो फिर मैंने ये सोचा कि जो है मतलब हम लोग की जो है मतलब कॉन्फ्रेंस थी तो हम लोग को भी इनवाइट किया गया था वहाँ पे तो मैं वहाँ पे गया और जो है मैंने उन्हीं ने मुझे एक जो है उन्हें प्रोजेक्टर पे आर्ट वर्क दिखाई उन्हीं ने अपनी और हम लोग भी वहाँ बैठे थे हम लोग ने भी देखी तो मैं उनकी आर्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ अब मैंने सोचा ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं करके वो सब सारी चीजें अचीव कर सकते हैं फिर मैंने क्या किया मतलब उन्हीं को देख के मैंने वो चीज कॉपी करी बट मैंने सोचा कि क्या ये भी चीज मैं कर सकता हूँ कि नहीं तो मैंने एक गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया था नेल नर्ट वो मैंने एक जी जी जी, जी बिल्कुल याद है मुझे वो हाँ। तो वो काफी ज्यादा वायरल हुआ भाई ईरान इराक तक पहुंच गया मुझे नहीं पता था और मतलब कि मतलब हम घर में बैठे थे मुझे एक बार एक कॉल आई थी कि जो है मतलब तुम्हारा आर्ट यहाँ यहाँ पहुंच गया काफी लोग देख रहे हैं तुम्हे हमें एकदम नहीं पता था तो फिर जब पता चला काफ़ी ज़्यादा हमें खुशी हुई तो फिर हमने सोचा कि जो है अब नेल आर्ट बनाएंगे फिर हमने क्या किया फिर मेरा जब ट्वेल्थ की फेयरवेल आई तो मैंने क्या किया एक यूनिटी का एक लोगो बनाया नेल आर्ट से वो भी मतलब यही अट्ठाईस उनतीस दिन में कम्प्लीट हो गया था तो फिर जो है वो मैंने उनको जो है एज अ गिफ्ट उनको भेज दी उनको वहाँ पे दिया उनको आ तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए तो वो जो बंदा आर्टिस्ट था उनसे मतलब उनकी जो जर्नी थी ना वो इतनी मतलब मोटिवेशनल थी वो लोगों को इंस्पायर करने वाली थी कि उनसे ज्यादा मतलब मैं वो हुआ तो फिर जो है मैंने जब वो चीज़ देखी तो मैंने सोचा कि यार अभी इस फील्ड में उतरते हैं और फिर सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट होती जा रही है ना बिल्कुल। तो फिर मैंने उस चीज़ को भी कंटिन्यू किया फिर जब यूट्यूब आया ना तो यूट्यूब ने भाई मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी और ये सब जितना भी है ना भाई इस सब यूट्यूब की तरफ से है क्या बात है आई गेस सोशल मीडिया तो यार यारिस्ट की तरह है आर्टिस्ट के लिए चाहे वो किसी भी

किस तरीके का बोलूं अगर आर्ट क्योंकि बहुत अलग अलग फॉर्म के होते हैं खैर मुझे बहुत डिटेल में इसकी नॉलेज नहीं है बट डेफिनेटली बीइंग एन आर्टिस्ट आपके पास वो नॉलेज होगी तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ कि आप किस तरीके का आर्ट बनाते हैं uh, मैं जो बनाता हूँ वो अभी जो है मतलब कि स्केचिंग मेरी चल रही है स्केचिंग बनाता हूँ और जो है स्कल्पचर बनाता हूँ एंड पेंटिंग वगैरह तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आर्ट बनाता हूँ और जो है मतलब कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं एक चीज पे मतलब के एक चीज पे स्टैंड नहीं मतलब ये नहीं कि एक चीज ही पे रहना है मतलब चीजें करते जाना है बदल बदल बिल्कुल क्योंकि ये होता है ना कि जब आप जो है सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो हर जगह जा जाके और फिर आप वही चीजें अगर आप अपनी लाइफ में कर रहो ना तो वो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी एक दो चीजें ऐसी होती हैं कि जो वो क्लिक कर जाती हैं और फिर आप ये सोचते हो भाई अगर काश मैंने ये काम कर लिया होता और यही करता आ रहा होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता हाँ ये होता है ऐसे हाँ। आज की डेट में मैं भी ऐसा देख के सोचता हूँ ना कि यार अगर वो टिकटॉक पे तेरी प्यारी प्यारी दो ये कर लिया होता तो आज थोड़ा पैसा ऐसा ज्यादा अकाउंट में यार Damn it. तो एक जो major challenge एक जो में हमेशा देखता के लिए क्योंकि art को career अभी भी society में बहुत strongly नहीं देखा जाता है। मतलब आप आप जब जब तक आप एक full -fledged job में नहीं हो या आपका अपना बिजनेस नहीं है लोग नहीं मानते हैं कि भाई करियर चल रहा है है ना आर्टिस्ट को तो वैसे ही नहीं मानते कि करियर चल रहा है कुछ जाके बता दो अरे आप क्या करते हैं कि ना, आर्टिस्ट हो कहता अच्छा ठीक है कमाते क्या हो फिर अगर तो आर्टिस्ट हो तो है ना? So, वो कैसे आप उस चीज को देख पा रहे हो कि जो आपका मेजर चैलेंज क्या है इस पूरे आर्ट को एज अ करियर करने में आ, भाई मेरा मतलब के मेजर चैलेंज ये मैं यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर भाई कोई काम में कंसिस्टेंसी होती है ना तो वो काम जो है खुद ब खुद ग्रो होता है हुँ. और भाई देखो एक मेरा मतलब जो मेरा मानना है वो यही है कि हम अगर कंसिस्टेंट हैं कोई चीज को लेकर और जो है जैसे कि हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं बिलीव रखते हैं अपने ऊपर तो हम वो काम कर लेंगे और फिर ये भी होता है ना कि आदमी ये सोचता है कि भाई हम दस दिन मैंने वीडियो डाली ऑन यूट्यूब हाँ, दस दिन मैंने वीडियो डाली चल नहीं रही है तो भाई दस दिन से कुछ नहीं होता है अगर आप अभी बहुत से एग्जाम्पल हैं भाई मेरे अभी जैसे कि सौरभ जोशी जी जी, जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल सौरभ जोशी ने भाई मैंने उसकी स्टोरी खुद देखी है वो बंदे ने भाई बहुत मेहनत करी है बहुत से लोग अभी हम अपने बहुत से फ्रेंड से मैं उसकी स्टोरी शेयर भी करता हूँ तो वो लोग कहते हैं भाई वो झूठ बोलता है ये वो तो मैंने उनकी नहीं बात सुननी है क्योंकि मैं उसकी स्टोरी रियल लाइफ की देख के आ रहा हूँ मैं उसको जो है दो टू तो से फॉलो कर रहा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ तो मतलब कि यही होता है ना कि वो कंसिस्टेंट रहे हैं ना तो आज वो इतना पैसा कमा रहा है इतना फेम कमा रहा है एग्जैक्टली बस बस वही चीज है तो कंसिस्टेंसी को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं वो सोचते हैं बस पचास वीडियो डालना है भले hmm. हम चार महीने में डालें पांच महीने में डाले exactly. बट मुझे हमें पचास वीडियो डालना है, देखते हैं ग्रो होता है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे hmm. कर लेंगे। hmm. तो ये चीजें नहीं होना चाहिए hmm. बिलीव होना चाहिए कंसिस्टेंट रहना hmm. चाहिए और अपने काम से आपको प्यार होना चाहिए सबसे बड़ी hmm. तो ये बात है अगर आपको प्यार नहीं है और दिल दिमाग आपका नहीं लग रहा उसमें तो प्लीज उसको छोड़ दो भाई मत करो कुछ और काम देख लो लोक नहीं यार ये बात तो बहुत सही है मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि जिस चीज में दिल लगे ये पॉडकास्ट ही उसी है यार कि आपका पैशन जो है वो करो भाई मतलब दुनिया तो पचास चीजें बोलेगी आपको पचास चीजें एंड इवेंचुअली क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है है ना कि क्रिटिसाइज करने में क्या जाता है एक एक कमेंट करने में एक ट्रॉल मारने में मारने क्या जाता है आजकल इंस्टाग्राम पे भी आप देखो किसी का भी वीडियो वायरल होता है तो उससे ज्यादा मतलब मैं दूसरों को क्या बोलूँ मैं खुद कॉमेंट्स पढ़ने जाता हूँ भाई क्योंकि मजेदार तो होते हैं <laughs> जो बात है लेकिन वो ट्रोलिंग चल रही है वो बहुत इजी है बट वो कंटेंट क्रिएट करना कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके है ना या किसी को क्रिटिसाइज़ बोला अपने, अपने टैलेंट पे खरीद रहा है यार कुछ भी कर रहा है मतलब अगर वो अपने घर की चीजें दिखा रहा है तो आपने क्यों नहीं दिखाई थी आप भी दिखा लेते अपने घर की चीजें ओके परफेक्ट सो आर्टिस्ट को यूजुअली हमेशा जो प्रेफर किया जाता है ना या देखा जाता है जिस तरीके से बोला जाता है ये ड्रीमर्स होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं सोसाइटी में हट के दिखते हैं बहुत ज्यादा लेमन लैंग्वेज है बोलू जहां पे लोग कई बार बोल देते हैं कि आर्टिस्ट जो बहुत बड़े दर्जे का होता है पागल ही होता है ठीक है तो आपका क्या टेक है उस चीज को लेके भाई आ, मेरा तो ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है जो लोग बोलते हैं क्योंकि लोगों पे भाई भरोसा नहीं करने वाला है ना उनकी बातों पर हाँ। क्योंकि लोग तो भाई बहुत कुछ बोलते हैं ठीक और हर आर्टिस्ट की एक नई मतलब एक तरह से अलग अलग वो रहता है उनका अपना अपना स्टाइल रहता है हर आर्टिस्ट का और नजरिया सारी चीजें अलग अलग रहती हैं तो मेरा भी एक अलग ही रहता है कि अगर जैसे कि अभी कोई मैंने पेंटिंग बनाई अब हम उसको जो है जैसे कि 2000 में सेल कर रहे हैं हाँ। तो दूसरा जो आर्टिस्ट है वो वही पोर्ट्रेट बना के उसको जो है एक में सेल कर रहा है तो वो ये कह है हाँ तो भाई देखो जो मैंने मेहनत करी है वो चीजें अलग है बिल्कुल हाँ। वो जो मेहनत कर रहा है वो चीजें अलग है मतलब कहीं ना कहीं तो अगर हम उस आर्ट वर्क का दो हजार रुपया ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम उससे मतलब मतलब एक तरह से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं है। तो बस वही सारी चीजें हैं और जो है मेरा ऐसा तो मानना है कि आर्टिस्ट भाई बहुत अलग अलग थिंकिंग के होते हैं अलग अलग सोच होती है सबका अपना अपना नजरिया होता है तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है आ, तो हम असल में दिक्कत ये ना हम बकेट्स में नहीं बैठते ना सोसाइटी की <laughs> इसलिए उनको लगता है ये पागल है है ना ये इस तबके के है ही नहीं इनको थोड़ा सा खिसका दो साइड में ओके यार बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है और इस कॉन्वर्सेशन को मैं थोड़ा सा एक अभी ऐसा है होता है ना एक वो पेंटर्स वो क्या बोलते हैं उसको बोलते क्या बोलते लास्ट जो होता है है ना तो वो लास्ट टच के लिए मैं लेके आना चाहूंगा, पे एक फाइन देंगे इसको और बहुत ही अच्छा सेगमेंट है हमारा जिसको बोलते हैं झटपट बोलो ठीक hmm. है तो जलाल भाई झटपट बोलो एक रैपिड फायर सेगमेंट है आपसे कुछ सवाल करूंगा मैं है ना थोड़े फन क्वेश्चंस होंगे थोड़े हो सकता है सीरियस जो यूजुअली नहीं होता है

स्केचिंग ओके okay. सबसे पहली आर्ट क्या बनाई थी सबसे पहली आर्ट वही जो मैंने बताई थी वो कैमरे वाली अच्छा वो यार इनकी सबसे पहली आर्ट भी अच्छी है हमारी सबसे पहली आर्ट वो हमसे वो झोपड़ी ओपड़ी सीनरी नहीं सीधी <laughs> बन रही थी भाई पता नहीं क्या बना रहे हैं कैमरे के लेंस में भी कोई दिख रहा है हमारा पेपर पे ही कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ पे तो अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते क्रिकेटर क्रिकेटर होते भाई किसकी अच्छा अगर क्रिकेटर भी होते हैं एक और मेरा वो पे सवाल है आज इंडियन टीम में किसकी जगह लेना चाहते हैं अगर क्रिकेटर होते तो अगर किसको रिप्लेस ना करके ना। जाना चाहते हैं कि भाई टीम अच्छी हो जाए भाई रिप्लेस तो बात करें संजू सैमसंग संजू भाई वो ऑलरेडी रिप्लेस्ड <laughs> उसको क्या ही रिप्लेस कर रहे हो

पेंसिल या ब्रश प्रेफरेंस पेंसिल पेंसिल नाइस फेवरेट जब बोर होते हैं तो फिर चाय बना के okay. आर्ट बना रहे हैं पे अपने पे, तो चाय बना के पी लेते हैं या फिर दोस्त को कॉल करके कहीं घूमने निकल जाते हैं hmm. okay. तो वर्स्ट कमेंट जो अभी तक सोशल मीडिया पे आपको आया हो आपके hmm. आर्ट पे या कोई भी एक ऐसे वीडियो पे

ठीक रहा मतलब 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 कभी ऐसा ऐसा मतलब फील नहीं हुआ, मतलब बुरा हुआ नहीं हुआ हुआ ज़्यादा बुरा कि हाँ। कोई कोई आके मेरा, प्रस मतलब हाँ। मेरा गला दबा दिया तो मैं अपने बिस्तर से उठ गया एकदम से मतलब पसीना वसीना आने लगा फिर मैं जाके वाटर वाटर लिया फिर नॉर्मल हो गया मेरे को लगता है किसी का स्केच बनाने से मना कर दिया तो कभी सोते वक्त ऐसा जैसा आपने अभी सोते वक्त बोला बोले कभी ऐसा फील हुआ है सोते वक्त सीढ़ियों से गिर गए या गिर रहे हैं उस प्रोसेस में नहीं नहीं कभी ऐसा? कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ भाई कभी कभी नहीं हुआ हुआ। ऐसा भाई ऑडियंस आप लोग के साथ कभी हुआ है अगर तो कॉमेंट्स में बताइएगा ऐसा होता है ना कि ऐसे सीढ़ी से गिर रहे ऐसे से हो रहे हैं नींद में थोड़ी देर फिर एकदम से उठ के हाँ हा, बच गए बेड पे पाएंगे अपने ठीक है और जिनके साथ हुआ है वो कमेंट्स में बताइएगा मैं पिन करूंगा सबसे अच्छा जिसका भी होगा ये ओके okay, तो अभी तक का सबसे वर्स्ट जॉब ऑफर अगर आपको कभी मिला हो या आपने कभी इंटरेक्ट किया हो या सुना भी हो ऐसा कोई वर्स्ट जॉब ऑफर अभी अभी तक तक तो नहीं सुना, अभी नहीं सुना नहीं। है अभी है है अभी 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 बीकॉम ग्रेजुएट हुआ सुनोगे यही मेरी जॉब <laughs> <है। laughs> हो सकता है आगे ओके okay. तो अभी अगर यहाँ पे नहीं होते इस जगह पे जहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं तो और कहाँ होते इस टाइम भाई अपना काम कर रहे होते काम कर रहे होते हैं बहुत बढ़िया तीन चीजें जिसके बिना नहीं जी सकते आप तीन चीजें एक तो आर्ट और uh, okay. और फ्रेंड, ओके जो मदर, भाई, फैमिली, माँ वाला टॉपिक आ जाता है तो उसके बाद जो भी मारने का ना तो कोई एक ऐसा मूवी कैरेक्टर हो कोई टीवी का कैरेक्टर हो यानी हो जिससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो मूवी uh, भाई बहुत कम मैं देखता हूँ और एनिमे भी बहुत कम बचपन में देखता था बट अपनी uh, कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर जो याद आ रहा हो जो बहुत पसंद मतलब ऐसा बिल्कुल ऑब्सेशन है भाई भाई <Gutenkrach> भाई बहुत पसंद क्यों क्यों मतलब वो उसकी मतलब हमने एक दो एपिसोड उसके देखे हैं तो वो काफी ज्यादा हमें पसंद आता है मतलब उड़े कहीं भी कोई चीज कुछ भी कर लेना मतलब तो वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आता है भाई

जिस टाइप का मैं हूँ उस टाइप का वो नहीं है ओके okay. हाँ तो मैं एक एक दिन के लिए खाली हाँ ये सोचना चाहूँ उसके उसकी जिंदगी जो वो जी रहा है तो हम उसकी तरह से अगर जिंदगी जिए तो देखते हैं वो किस तरह से वो क्या कर रहा है ओके ओ, okay. भाई काफी इंटेलेक्चुअल हो गया यार मेरे को लगा था किसी सेलिब्रिटी वगैरह का नाम लोग गया इनका अंबानी का थोड़ा सा जामनगर जाना चाहता हूँ एक काजू कतली तो मैं भी डिजर्व करता हूँ Oh. एहे, रहा नहीं जाता ऐसी है ना ओके सो अलोंग विद मतलब बहुत सारे ऐसे फन सवाल और हैं मेरे पास जो मैं पूछना चाहूंगा तो आ, कभी ऐसा गोलगप्पे वगैरह तो खाएंगा पानी आ? पूरी रोड पे है ना कभी ऐसा सूखे पूरी के लिए लड़ाई किया है कि एक, एक एक्स्ट्रा दे दो एक एक्स्ट्रा पानी मतलब मांगा है लड़ाई तो चलो छोड़ दो आ, नहीं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कभी नहीं मांगा कभी भाई बहुत बहुत सज्जन लोग हैं यार ऐसा कहा से आते आते हैं ये ये लोग 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 कौन है लो? लखनऊ से ऐसे <laughs> <एसे लोग? laughs> ओके तो लखनऊ की अच्छा सबसे पसंदीदा चीज क्या है आपकी भाई लखनऊ की सबसे पसंदीदा मतलब एक तरह से चिकन टिक्का काफी ज्यादा ओके हुसैनबाद में आपको मिल जाएगा हाँ भाई बहु, बहुत बहुत एक नंबर है वो और जो है नारी सबसे ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल गोलगप्पे तो आप हर जगह मिल जाते हैं हाँ गोलगप्पे तो खैर है बट खासियत तो आपने बता ही दी है ना चिकन तो खाने में भी पहनने में भी चिकन दोनों तरफ से चिकन ही पराठा नहारी तो पराठा नहारी हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल जो भी लोग देख रहे हैं वो जान लीजिए लखनऊ आए तो चिकन टिक्का हुसैनाबाद निहारी रहीम मुबीन ठीक है ओके okay, तो थोड़ा इन आर्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा ये जो आपने आर्ट बनाई अभी चली देखिए दो कैरेक्टर्स तो मैं पहचान रहा हूँ भाई इतना इतना मैं समझता हूँ है ना एक तो स्पाइडरमैन है एक ये यहाँ पे ये वेंसडे की हमारी जो लीड कैरेक्टर थी वो है ठीक है ये जो बीच में कैरेक्टर है ये कौन है थोड़ा सा बताएंगे हमारे ऑडियंस को क्योंकि मेरे को लग रहा है उनके लिए भी ये कोई नया फेस कुछ लोगों के लिए होगा कुछ जो ऐसे बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल लोग होंगे वो जरूर पहचान जाएंगे भाई सो uh, so, uh, ये इस तरह था कि ये बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा था वन पीस लूफी कैरेक्टर है ये okay. तो ये काफी ट्रेंड में चल रहा था अभी कुछ महीनों पहले तो मैंने इसको इंस्टाग्राम पे देखा और फिर जो है मैंने इसकी YouTube पे वीडियोस देखी तो जो जो इसकी ड्राइंग बना रहा था उसकी वायरल जा रही थी हाँ तो हम ये सोच रहे थे एक एक दिन में पचास पचास हजार ये तो चलो कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग मतलब जो है ट्राई कर लिया हाँ, जाए करते हैं हैं हम भी चलते हैं कतार। तो मैंने इस पहले इसकी बड़ी वाली एक पोर्ट्रेट थी वो कैनवास पे मैंने बनाई थी ए साइज पे तो वो बनाई उसके बाद फिर मैंने देखा ट्रेंड रुकी नहीं रहा भाई मतलब चलते ही जा रहे हैं फिर मैंने सोचा कि इसकी एक और छोटी बनाते हैं मतलब वो तो मैंने ऑयल पेंट से बनाई थी हाँ और ये वाटर से बनाए तो फिर मैंने ये दोनों बने बट ये सबसे फ़नी बात ये हुई मेरे लिए कि मैंने दोनों को इतनी ट्रेंडिंग के लिए बनाया बट कोई चीज़ नहीं चली <laughs> भाई मेरा मेरा जो ट्रेंड खत्म ये, तो ये हो, ये होता है मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये क्रिएटर्स के साथ ये कुछ तो प्रॉब्लम या तो ये पता नहीं इंस्टाग्राम कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है पता नहीं। क्योंकि मैं आज तक मन से जितनी भी अपनी वीडियो बना के गया हूँ ना उसमें व्यूज ही नहीं आए भाई हाँ। और मैंने एक वीडियो जिसमें शायद मैंने जिंदगी का सबसे घटिया ट्रांजिशन किया उसमें फाइव फोर्टी सेवन के व्यूज थे भाई तो वीडियो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो मेरा क्रिंज कॉन्टेंट कैटेगरी में चला गया था या वाकई में लोगों को पसंद आया क्योंकि लाइक तो थे भाई अट्ठाईस हजार लाइक थे उस वीडियो, आपकी वीडियो भाई। आ, तो भाई बड़ा वीडियो भी भाई बहुत अच्छी बनी थी अब लोगों अब लोगों ने उठा दिया और फिर जो आप, आप बाद में डाल लो कंटेंट वो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं वो बात नहीं।, नहीं लगे बट उसमें उसमें दम था हो तो सकता है भाई हो सकता है हो सकता है चलिए तो इस सिलसिले को इस फन सेगमेंट को यहीं पे खत्म करते हैं और वापस आते हैं हमारे इस दूसरे इस सेगमेंट पर निकल के इससे okay. और इस सेगमेंट में हम आपसे एक ही सवाल करेंगे जो शायद हमारे शो का आखिरी सवाल है एंड hmm. uh, बहुत जरूरी सवाल है बिकॉज हम यंग लोगों के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे है ना हम चाह रहे हैं कि यंग लोग आगे बढ़ के आए और वो अपने लिए चीजें कुछ बेहतर कर पाए तो अगर आपको ऐसा एक मौका मिले जहां पे आपके आप एक स्टेज पे हैं आपके पास एक मिनट के लिए माइक है और आपके सामने मैं बात करूं कंट्री का या वर्ल्ड का पूरा यूथ है तो आप उनको क्या मैसेज कोई एडवाइस कोई सजेशन या कोई भी अपने वर्ड्स अगर जो भी आप बोलना चाहें या जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए जो भी बोलना चाहे जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं मैं उनके लिए सबके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो जो है उसको पूरी लगन से करो शिद्दत से करो और उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओ क्योंकि क्या होता है ना बहुत से लोग बहुत काम करते हैं हर हर जगह का मतलब अपना अपना हर जगह हर कंट्री में जा जाके काम करते हैं बट वो उनको उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है वो उतना नहीं कमा पाते हैं बट फिर ये आके अपनी कंट्री में यही सोचते हैं कि जो भाई अगर मैंने ये चीज़ कर ली होती तो जो है आज मैं इतना पैसा कमा रहा होता फिर बाद में वो चीज़ का रिग्रेट होता है तो ऐसा काम मत करो जो चीज़ सही जगह दिमाग लगाओ और सही जगह अच्छे से दिमाग लगा के काम करो और जो है एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो है बहुत लोग होते हैं जो अपने वर्क से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं तो ये चीजें नहीं होना चाहिए आप जो भी कर रहे हो आप अगर छोटा बिजनेस भी कर रहे हो ना तो उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए क्योंकि तो आप भाई आपने खुद क्रिएट किया है वो चीज तो अगर आप जो है उससे ही सेटिस्फाई नहीं रहोगे तो फिर आपका ना उसमें दिल लगेगा ना आप उसको आगे ग्रो कर पाओगे बिल्कुल और अभी जैसा कि मैंने बीच में बोला कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट और जो है अपने ऊपर भरोसा तो जरूर रखना चाहिए क्योंकि जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो आप बहुत से जितने भी वर्क हैं आप सब में ग्रो करोगे ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि आप एक काम कर रहे हो अगर आप दूसरा काम करोगे तो आप उसमें ग्रो नहीं करोगे ऐसा नहीं है तो आप जिसमें भी जो भी वर्क में इन्वॉल्व हो वो काम अच्छे से करोगे तो मेरा तो यही कहना है सबसे कि जो है अपना जो भी है हंड्रेड दो रिजल्ट पे फोकस मत करो रिजल्ट जो आएगा वो बाद में देख लिया जाएगा अपना आप हंड्रेड दो बिल्कुल बहुत बहुत सही चीज होली है यार एंड आई ऑल्सो फील कि रिजल्ट ठीक है रिजल्ट आता रहता है कभी हम जीतते हैं कभी हम हारते हैं बट हमारे एफर्ट्स हम खेले कैसा है बहुत बार वो मैटर करता है एंड एक ना एक दिन रिजल्ट भी अच्छा आएगा जब अच्छा खेलते रहेंगे लगातार है ना तो कंसिस्टेंसी जैसा उन्होंने बताया बहुत जरूरी है और उसी तरीके से कंसिस्टेंट रही है और थैंक यू सो मच जलाल जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल मेरा ये आपके नाम का मतलब क्या है मेरे को लगता है ऑडियंस भी बहुत क्यूरियस होगी इसके लिए आ, जलाल भाई मेरा पूरा नाम तो जलाल अब्बास है तो मतलब के जैसे कि मौला है हाँ। तो मतलब क्योंकि तो हाँ। <laughs> थोड़ी -थोड़ी तो तो इतने कमीशन वर्क मिल चुके हैं तो उसकी वजह से जो है आदमी थोड़ा अपने काम से अलग हट जाता है कमीशन वर्क चक्कर में तो फिर ये रहता है क्या बात है ऐसा लगा नहीं हम लोग को है ना पूरे पूरे पॉडकास्ट निकल गया हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि गुस्सा चलो अच्छी बात है अंत भला सब भला घर जाने देते हैं घर जाके गुस्सा करेंगे आराम से यहाँ पे ना ही करें तो बेहतर है ठीक है सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे भाई इट वॉज सो लवली मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड आई होप इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे एंड जो भी लोग जिन्हें भी जलाल का काम देखना है आपको इनका काम पसंद आएगा फॉर श्योर sure ये गारंटी मैं लेता हूं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करिए इनके YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है इनके Instagram हैंडल का लिंक दिया गया है जाइए भाई के उप, बहुत सारा ढेर सारा प्यार भाई के ऊपर बरसा दीजिए लाइक करिए फॉलो करिए उनके कंटेंट को और लोगों तक शेयर करिए और डेफिनेटली अगर आपको भी अपना स्केच बनवाना है तो प्लीज डू कांटेक्ट हिम इंस्टाग्राम पे उनको जाके डीएम करिए एंड आप तक आपका स्केच बहुत ही समय पे विद एक डिसेंट अमाउंट जो आप पे करेंगे <laughs> तब पहुंच जाएगा ठीक है सोया थैंक यू सो मच थैंक यू अरे भाई रोलिंग ओके सो थैंक यू सो मच गाइज दोबारा वापस आने के लिए थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए एंड आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कॉमेंट्स में आके बताइए और ये जरूर बताइएगा क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा है आपको उसको हम शॉर्ट्स पे जरूर शेयर करेंगे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे रील्स के थ्रू शेयर करेंगे और साथ ही साथ इसी तरीके से अपना प्यार हम पे बरसाते रहिएगा वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स में ढेर सारे दिल बना के भेज दीजिए काला पीला लाल नीला जैसा भी दिल आपके

और आई होप वो जर्नी आप भी इंजॉय करेंगे मेरे साथ साथ तो वंस अगेन थैंक यू सो मच वॉल्टर को इतना सारा प्यार देने के लिए ये पॉडकास्ट आपकी वजह से ही चल रहा है आपकी वजह से ही हम हैं आपकी वजह से ही ये पॉडकास्ट है इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा मैं आपका होस्ट मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में तब तक खुश रहिए आप लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए स्टेट्यून विद